हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 24 इंच की पैनल। ये 24 इंच की पैनल आप लोग देख लें कि इस पैनल में हमारा जो डीसी टू डीसी आईसी है वो बर्न होकर आई हुई है। यहाँ पर आपको बर्न दिखाई दे रहा होगा। और ये एक 24 इंच की पैनल है और इसमें हम क्या करेंगे कि ये आईसी किसी कारण से नहीं मिल रही है, तो हम इसमें कट किया हुआ बोर्ड यानी डीसी टू डीसी सेक्शन को कट किया हुआ बोर्ड इस आईसी को निकालकर और किस तरह से हम लगाकर इस पैनल को ओके करने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक न्यूज है कि हमारी कोलकाता में ट्रेनिंग जो है स्टार्ट होने जा रही है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी ट्रेनिंग कोलकाता में 8 से लेकर 12 सितंबर तक होगी, यानी 5 दिन का होगा। 8 सितंबर, 9, 10, 11 और 12 सितंबर। इसमें 15 मेंबर का बैच होगा और ये ए टू जेड प्रैक्टिकल होगा। कोई हमारा ट्रेनिंग प्रोजेक्टर पे नहीं होती है, ये आपको बात को ध्यान देकर रखना होगा। बहुत सारे फोन करते हैं कि सर प्रोजेक्टर पे सिखाइएगा क्या, कितना मेंबर लीजिएगा, तो ये हमारा कोई लिमिटेड मेंबर नहीं है, ये हमारा फिक्स मेंबर है। यानी 15 चलेगा, 15 से कम चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। 9874622670 पे कॉल करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। और मुंबई के लिए है कि 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक, ये भी 15 मेंबर का है। 15 चलेगा, 14 चलेगा, कम चलेगा, ज्यादा नहीं। 8828610128 पर कॉल करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। दोस्तों, ये लंबा समय इसलिए रखा गया कि बहुत लोगों का सवाल होता है, बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि सर इतना जल्दी ट्रेन की टिकट या बस के टिकट नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है उसको नजर रखते हुए हमको कंफर्म सीट की जरूरत पड़ती है ट्रेन में भी उठने के लिए और बस में भी। इसलिए आप लोग पहले सीट बुक करा ले और उसके बाद अपनी आने जाने के लिए ट्रेन से या बस से वो सीट बुक करा ले। ओके दोस्तों, हम लोग आगे बढ़े और देखें इसमें कट किया हुआ बोर्ड कैसे लगाया जाता है। पहले हम एक कट किया हुआ बोर्ड लेंगे और उसके बाद इसमें लगाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हर पैनल 10-15 मिनट में नहीं बनता है दोस्तों, बहुत सावधानी से आपको बनाना होगा। ये ट्रेनिंग, ये तरीका फुल अपने हर जगह ऑल इंडिया हम बताकर चलते हैं कि पैनल किस तरह से और कैसे बनेगा। हम पहले आईसी को निकाल लेंगे और ये जो देख रहे हैं कि हमने आईसी को निकाल लिया और यहाँ पर हमारी जली हुई आईसी को हमने इसको रिमूव कर दिया, यानी ये हमारी आईसी जो है ये बर्न हो गई है। और इस आईसी का नाम है CM508। आपके पास अगर है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो ये तरीका को आप अपना सकते हैं। याद रहे दोस्तों, इस आईसी को निकालते समय आपको ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ की जो आजू बाजू है स्मॉल जो कंपोनेंट है वो हमारी रिमूव ना होनी चाहिए। और ये सब टेस्ट पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लोग सोल्डर कर लेंगे ताकि हम कट किया हुआ जो हमारी बोर्ड है उसको यहाँ पर टेस्ट पॉइंट पर हम इसको यूज कर सके। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमने पॉइंट को सोल्डर कर दिए और ये टेस्ट पॉइंट को सोल्डर करने के बाद दोस्तों हमारे पास अभी कट किया हुआ कोई पैनल का बोर्ड अवेलेबल नहीं है। तो हमने ये वीडियो बनाने के लिए ये एक टीकोन मैंने रखा और इस टीकोन में देखिए हमने लगभग 6 वायर हमने कनेक्ट किया यानी ज्वाइंट किया। 6 वायर में आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि एक प्लस माइनस, एक VGH, एक VGL, एक AVDD और एक हमारी VDD यानी 3.3 वोल्ट। अब हम यहां पर कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन करने के बाद हम इसको पैनल को देखेंगे कि कोई पिक्चर हमारा इमेज आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, VGHP, इस VGHP पे कनेक्शन हमारा, ये VGH फर्स्ट है, पहला पार्ट है। यहाँ पर हमको VGH में ही कनेक्शन करना होगा, VGHP पे नहीं। तो इसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन डेटा सेट आप देखोगे तो
तो ये VGH की बाजू वाली जो पिन है ये हमारी VGH है। तो ये हमारा VGH यहाँ से लेकर इस जगह पर ये आ रहा है, इस हमारी शॉर्टिंग रेजिस्टेंस बोलो फ्यूजुअल रेजिस्टेंस बोलो यहाँ पर आ रहा है, तो हमको यहाँ पर कनेक्शन करना होगा VGH की। अगर आप यहाँ पर VGH की कनेक्शन कर रहे हैं तो इस टेस्ट पॉइंट पर तो आपकी इमेज नहीं बनेगी। तो हम एक बार दिखा दें यहाँ पर कनेक्शन करके, और इसके बाद दोबारा हम दिखाएंगे यहाँ पर कनेक्शन करके। तो हम लोग तुरंत कर ले, यहाँ पर हमारी 12 वोल्ट, दोस्तों आप जल्दीबाजी नहीं करिएगा, पैनल बनाने के लिए आपको जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारी कनेक्शन फिर एक खुल गई, यहाँ पर हमारी AVDD यानी VA ग्रीन वाली वायर जो है हमारी हरी वाली तार, ये हमारी VGL ब्लू वाली वायर जो है वो हमारी VGH, ये टेस्ट पॉइंट हमने बोला हमने वहां दे दिया, और ये ऑरेंज वाली जो वायर है वो हमारी 3.3 वोल्ट। इतना ही कनेक्शन आपको करना होगा दोस्तों। और ये एक हमारे पास टीकॉन है, ये LG की टीकॉन है, हमारे पास सोर्स PCB अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने सोर्स PCB का जगह टीकॉन को यूज किया। अब हम इसको एक बार लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद यहाँ पर सेट हमारी जो है स्टैंड बाई से रिलीज हुई, और अब हम देखेंगे कि हमारी वोल्टेज क्या क्या प्रेजेंट हो रही है। आप सही से मीटर पर ध्यान दोगे और यहाँ पर भी ध्यान देंगे तो 3.3 वोल्ट ठीक है, हमारी माइनस वोल्टेज लगभग 5 वोल्ट ये भी सही है, AVDD लगभग 15.2 ये भी सही है, VGH हमारे लगभग 26.6 ये भी सही है, VCOM हमारी 7.4 लगभग ये भी सही है, फिर भी हमारा जो है इमेज यहाँ पर नहीं है। हम एक बार बैकलाइट को जला ले, यहाँ पर हमारी इमेज दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि दोस्तों हमने बोला था कि ये जो VGH-P है या VGH-F या VGH-1 यहाँ पर कनेक्शन देने से नहीं होगा, हम चले जाएंगे सिर्फ VGH पर, और उसके लिए हमको यहाँ पर कंजेक्शन है IC पिन उसी ट्रैक पर हम यहाँ देंगे। यहाँ जीरो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस लगा होगा, ये जम्पर का भी काम करता है, सिर्फ जीरो लिखा होगा आपको। ये सब तरीका हम अपने ट्रेनिंग में बताता हूँ दोस्तों कि DC टू DC IC कैसे वर्क करती है, कैसे समझाया, और हम एक बार इसको फिर ऑन करेंगे, और ये ऑन करने के साथ साथ देखेंगे कि इसमें कुछ इमेज बन रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों यहां पर हमारी डिस्प्ले चली आई, यानी ये पैनल जो है वो हमारी ओके हो गई। मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखाकर, ये देखिए दोस्तों ये पिक्चर हमारी इज गुड, बहुत अच्छी तरह से देख ले कि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये हमारी पिक्चर जो है एकदम ओके है, कोई भी तरह से कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और हमने यहाँ पर जो कनेक्शन किया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी सोर्स PCB की DC टू DC IC खराब होने के वजह से हमने यहाँ पर कट किया हुआ, यानी कट किया हुआ जो सोर्स PCB हमारे पास नहीं उपलब्ध था, इसलिए हमने यहाँ पर एक LG की अलग से टीकोन लगाकर हमने इस पैनल को सही किया। अगर आपके पास DC टू DC IC प्रेजेंट है, अच्छा है, तो आप उसको भी लगाकर पैनल को ओके कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको कट किया हुआ ही लगाना पड़ेगा। दोस्तों अगर ट्रेनिंग लेना है
तो इस मौके का फायदा उठाए, हाथ से जाने ना पाए। मुंबई के लिए आपको इस पे नंबर पे कॉल कर लेना होगा और कोलकाता के लिए इस नंबर पे कॉल कर लेना होगा। सीआरटी वाले या कहीं से कोई ट्रेनिंग लेकर आए हैं, यानी वो ग्रुप में लेकर आए हैं 50, 100, 200 के ग्रुप में और उनको समझ में नहीं आया, यानी कहने का मतलब प्रोजेक्टर पर, तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं A to Z प्रैक्टिकल। ओके दोस्तों, बाय नेक्स्ट वीडियो के लिए।